टू वन एंड ऑल वेलकम टू द चैनल एंड टुडे आई एम अगेन बैक विथ यू टू डिस्कस अ वेरी वंडरफुल एडिटोरियल ऑन ओटीटी एंड ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल लेटली अगर आपने चैनल हमारा विजिट किया होगा तो अभी हमारे सारे एडिटोरियल एनालिसिस में हमने एक चीज कॉमन रखी है कि हम फॉर्मर सेक्रेटरीज के ओपिनियंस को फॉर्मर सेक्रेटरीज या रिटायर्ड आई ऑफिसर्स जिन्होंने भी एडिटोरियल्स जिनके डेली बेसिस पे आते हैं हम उनको फॉलो करते हैं एक कारण है उसका मैं आपको पहले पर्पस बता देता हूं इस वीडियो का इस इस पर्टिकुलर वीडियो का हमारे एडिटोरियल एनालिसिस का एक पर्टिकुलर पर्पस ये है कि हम वो सारी चीजें स्टूडेंट्स को बता सकें जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं कि किस जगह से क्वेश्चन आने की संभावना आपके लिए ज्यादा रहती है अब हमने देखा है कि जब भी एडिटोरियल मैक्सिमम आ रहे हैं अभी फिलहाल तो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो इसीलिए अब देखिए ये रेंटला चंद्रशेखर जी का जो एडिटोरियल आया है आज इज द चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर डिजिटल फ्यूचर अ फॉर्मर आई टी एंड टेलीकॉम सेक्रेटरी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नैसकॉम अब इनके ओपिनियंस इनके कही हुई बातें डेफिनेटली मैटर करती हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रह चुके हैं तो आप पर्पस को समझिएगा हमारे यहाँ पे एडिटोरियल हम जो भी पिक कर रहे हैं अपनी एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज में वो बहुत रेलिवेंट है क्योंकि वो इंडिया के करंट इश्यूज पे बात करते हैं और जो आपके आंसर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत मदद करेगा इसीलिए आज के एडिटोरियल में हमने अवर्ड ऑफ एडवाइस ऑन ओटीटी एंड ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल को लिया है आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम बिल के माध्यम से ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहती है लाइसेंसिंग नॉर्म्स क्रिएट करना उनके लिए चाहती है इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं जिसमें प्राइमरीली का एक मेजर कारण यह है कंटेंट रेगुलेशन का तो आज के एडिटोरियल में हम अभी देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्रिटिसिज्म और फ्लॉस ऑफ ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्या है ऐसा फ्लॉ टेलीकम्युनिकेशन बिल में रेगुलेशन ऑफ ओटीटी वर्सेस लाइसेंसिंग ऑफ ओटीटी में क्या डिफरेंस है ओटीटी के कंटेंट को रेगुलेट करना और ओटीटी को ही लाइसेंस कर देना दोनों के बीच में किसी तरह का डिफरेंस है जैसे कि करेंटली इंडिया में एक आई एक्ट है सन दो की आईटी एक्ट है 2000 की जो ओटीटी के कंटेंट को रेगुलेट करती है पर वो पब्लिश हो जाता है लोगों के समक्ष पहुंच जाता है उसके बाद लेकिन अगर टेलीकॉम बिल आ गया टेलीकॉम बिल आ गया तो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी उसके बाद ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट सेंसर कर सकती है ओ कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी कि अगर हम एमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स या कोई दूसरा चैनल जैसे कि सोनी लेव अगर इनको यूज़ कर रहे हैं तो एक यूज़र क्या दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्या ओ फ्यूचर में जाके कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेंगी और अगर करने लगी तो हमारे करंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं जैसे कि वोडाफोन जैसे कि जियो भारतीय एयरटेल क्या इनका बिजनेस इफेक्ट होगा स तरीके से ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल इंडिया के इनोवेशन स्पेस को कमजोर कर सकता है उसके बारे में भी हमें देखना है और व्हाट कुड बी द टू द ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल अगर ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल बिल्कुल के लिए सही नहीं है तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है सो वेलकम टू द वीडियो इन द नेक्स्ट सेवन मिनट्स आई एम गोइंग टू क्रैक द दर एडिटोरियल विथ यू और जो मैं बता रहा हूं उसको आप लिखते चलिएगा ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा वो बहुत जरूरी बात है सो दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टार्ट द एडिटोरियल एनालिसिस सो इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल सबसे पहले ये शुरू करते हैं बेसिकली कि टेलीकोम्युनिकेशन बिल को पब्लिकली कमेंट्स के लिए ओपन किया गया है और उसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि किस तरीके से एवरेज सिटीजन फर्क को असर पड़ेगा अगर ओ कंटेंट रेगुलेट हुआ या ड्राफ्ट टेलीकोम्युनिकेशन बिल आया और बेसिकली इसका हमें इंपैक्ट देना है इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम पे मेन आर्ग्यूमेंट आ रहा है जहां पे ओटीटी को हमने रेगुलेट करने की बात करी वो है सेम सर्विस सेम रूल्स अब ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल में सिर्फ ओटीटी को रेगुलेट करने की बात नहीं है और भी कई सारी चीजें हैं जैसे ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल पहले जो कम्युनिकेशन बिल है उसमें क्या था कि पनिशमेंट ज्यादा मिलती थी लाइफ इंप्र अरे इंप्रिजनमेंट मिल जाता था मतलब जेल में डाल सकते हैं आपको अभी क्या ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल करने की कोशिश कर रहा है ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल सजा को फाइन के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है तो वो स्टार्टअप इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा कि भाई कंपनीज को पता है कि अगर मान लो हमने कोई वॉयलेसन कर दिया तो हमको मात्र फाइन देना है पैसे देने हैं हमको जेल वेल नहीं भेजा जाएगा तो यहां से इनोवेशन का स्पेस भी मिलता है कंपनीज को और कुछ नया ट्राई करने के लिए और डर भी उनके मन से खत्म होता है लेकिन जो सबसे बड़ा डिबेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या OTT को इंक्लूड कर देना चाहिए क्या ओटीटी सेम सर्विस में आती है सेम रूल्स में आती है है तो यहां पे कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा लॉजिकल समझ में आता होगा कि कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं इसलिए और OTT को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए लेकिन यहां पे उन्होंने बड़ा माइन्यूट और टेक्निकल डिफरेंस बताया है आपसे अगर कभी इंटरव्यू में पूछे या क्वेश्चन में पूछे तो देखिए आपको पता होना चाहिए तो इसमें ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ओ प्रोवाइडर इंक्लूडिंग दोस्त दोस्त प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज व्हाट्सएप जूम ई मेल आप में सिर्फ वीडियो वाले एप्स नहीं है व्हाट्सएप जूम ई मेल फेसबुक सब ओवर द टॉप आते हैं ये कस्टमर को बिना इंटरमीडिएशन और बिना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की मदद से नहीं पहुंच सकते इनको जरूरी है लेकिन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अगर कस्टमर तक पहुंचना है तो उसको ओ टी टी की जरूरत नहीं है तो ये पहला डिफरेंस है दूसरा दूसरा यहां पे ओटी में बात करें तो वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन होता है वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन होता है ठीक है और एप्लीकेशन और वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन जबकि हम ओटीटी की बात करें जबकि हम टेलीकोम्युनिकेशन की बात करें तो वो बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज है जो प्रोवाइड करती हैं वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन और बेसिक कम्युनिकेशन में डिफरेंस है फोन करना बेसिक कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन है दूसरा डिफरेंस हो गया तीसरा डिफरेंस इनके बीच में ये है कि डोमेन टेलीकॉम और प्रोवाइडर्स का डोमेन ऑफ कैरेज है और यहीं पे ओ का डोमेन ऑफ एप्लीकेशन है यानी कि हम जब चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं और ओ और टेलीकोम्यूनिकेशन का नेटवर्क हमारे मोबाइल में हमेशा रहता है तो फिर ऐसा क्यों है कि ओ जब सेम सर्विस के अंडर नहीं आ रहा है तो उस पर सेम रूल्स लगाने की बात कर रहे हैं उसका कारण यह बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो टैरिफ मिलता है वो वॉइस एंड डेटा टैरिफ्स में डिफरेंस है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को क्योंकि वो रेगुलेटेड अभी नहीं है ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स तो उनको डेटा टैरिफ कम मिलता है और उनको हायर वॉइस एस एम एस टैरिफ मिलता है तो ये एक चीज है जिसको ऑथर ने कहा कि इस वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स चाहते हैं कि ओ टी टी को इंक्लूड कर दिया जाए अब यहां पे उन्होंने फर्दर ये कहा कि ओ टी टी कम्युनिकेशन सर्विसेस को टेलीकॉम लॉ के बाहर रखना चाहिए क्यों क्योंकि टेलीकॉम लॉ टेरेस्ट्रियल कैरेज को मतलब एक टावर से दूसरे टावर जब आप बात कर रहे हो तो उसको आ, रेगुलेट करता है जबकि ओटीटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेस्ड है ठीक है ये एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है या अभी फ्यूचर में जो डिजिटल इंडिया एक्ट इंडिया लाने वाला है उसमें कवर्ड होंगे ठीक है चाहे आप इंक्रिप्शन की बात करिए डेटा स्टोर करने की बात करिए डेटा इंटरसेप्ट करने की बात करिए या हमारे लॉ एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन की बात करिए ओ अभी भी रेगुलेटेड हैं लेकिन इनकी लाइसेंसिंग को या प्री ऑथराइजेशन को यानी पहले परमिशन लेने को ऑथर मना करते हैं यहाँ पे ठीक है अब ये कह रहे हैं कि फिर इतना पंगा क्यों चल रहा है इतना इशू क्यों चल रहा है भाई क्या ऐसी दिक्कत है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अभी जो टेलीकॉम बिल है और अभी करेंटली टेलीग्राफ एक्ट है ये सारे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं टेली कम्युनिकेशन प्रिवेलेज ऑफ द गवर्नमेंट पे बेस्ड है यानी ये गवर्नमेंट का अधिकार है कि क्या कम्युनिकेशन के अंडर आएगा क्या नहीं आएगा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के माध्यम से और वहाँ पर जितना वो प्राइवेट एंटिटीज़ को परमिट करेंगे उतना ही वो प्राइवेट कंपनीज उस काम को कर पाएंगी तो ये प्रिविलेज ऑफ द गवर्नमेंट है जहां पे लाइसेंसिंग और, और प्री ऑथराइजेशन की बात है लेकिन अगर अदर हैंड में हम आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करें तो ये क्रिमिनलाइज करता है लाइज करता है कुछ डिजिटल वायोलेशन को तो हर सब कुछ परमिटेड है आई टी एक्ट के अंदर परमिटेड तो सब कुछ है लेकिन लेकिन कुछ चीजें पार्ड हैं कुछ चीजों को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो मैट मीट करना चाहिए अगर आपने नहीं किया अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको पेनाल्टी या पनिशमेंट दी जाती है तो दोनों में डिफरेंस है ना एक काम को करने के पहले लग रहा है टेलीग्राफ एक्ट एक काम को करने के बाद लग रहा है आई एक्ट तो कंटेंट मॉड्यूलेशन आई एक्ट के अंदर कम है गवर्नमेंट के पास और टेलीग्राफ एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास कंटेंट मॉड्यूलेशन के पावर्स ज्यादा हैं इसी तरीके से यही बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो ओ टी हैं जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एप्स हैं उनको काफी वाइड एटीट्यूड मिलता है काफी स्पेस मिलता है क्रिएटिविटी को इनोवेशन को न्यू प्रोडक्ट्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग को इन सबको बढ़ाने के लिए ठीक है तो यहां पे उन्होंने ये कहा कि अगर ओ को रेगुलेट कर दिया तो वेंचर कैपिटल नहीं कोई फंडिंग नहीं करेगा ज्यादा रेगुलेशन हो जाएगा और ओ कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्लॉप हो सकती है और ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई आ, कोई पहले से कहा नहीं जा सकता कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म आगे जाके कम्युनिकेशन सर्विसेज ना ले आए जैसे कि फ्लिपकार्ट ओला मेक माई ट्रिप हर कोई एक एलिमेंट ऑफ मैसेजिंग इनकॉर्पोरेट करता है तो अगर आपने मान लीजिए ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल में एलिमेंट ऑफ मैसेजिंग को लाइसेंस कर दिया तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप पूरे ओ टी टी को भी रेगुलेट कर रहे हो और ये कानून में लिटिगेशन बढ़ा देगा सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा फर्दर इन्होंने ये कहा कि व्हाट इफ ओनली द कम्युनिकेशन कंपोनेंट ऑफ ओटीटीज इज भी रेगुलेटेड तो उन्होंने यही बातें मैंने कहा कि पूरी एक्टिविटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और ओटीटी को की लाइसेंसिंग करना मतलब आप इनोवेशन को कमजोर कर रहे हो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में वैसे भी काफी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पे समझने वाली बात है हमें ठीक है इंडिया क... और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे दिखाई दिया कि अगर आपने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल के अंदर इनको रेगुलेट कर भी दिया तो फॉरेन ऑपरेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हैं वो आउट ऑफ द एम्बिट रहेंगे क्योंकि वो कानून उन पर लगेगा नहीं तो उनके पास इनोवेशन का बेस लार्ज रहेगा आउटरीच और कम्युनिकेशन का बेस भी लार्ज रहेगा वेर इंडियन ओटीटी सर्विसेज जो हैं वो क्रिपल हो जाएंगी वो क्रिपल हो जाएंगी कमजोर हो जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट बात बात पर उन उनपे चेकस एंड बैलेंस लगाएगी तो यहां पे ऑथर सजेस्ट करता है रेगुलेट ओ टी कम्युनिकेशन सर्विसेज में कि बॉटम लाइन ये है कि ओ टी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को टेलीकॉम बिल के अंदर नहीं लाना चाहिए नहीं लेके आना चाहिए क्योंकि इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम जो है वो ओटीटी पे बेस्ड अभी आ रहा है काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो अफेक्ट हो सकता है रादर ओटीटी को ओटीटी को आप डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर रेगुलेट करिए ठीक है और किसी भी दुनिया के किसी भी देश ने किसी भी देश ने ओवर द टॉप सर्विसेज को फाउंडेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बराबरी का दर्जा नहीं दिया है तो आप भी ऐसा मत करिए ओवर द टॉप सर्विसेज बेसिकली होती क्या है ना जब यूजर को चाहिए तब तो वो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करता है वो हमेशा उसके पास नहीं रहती हैं जब उसको चाहिए लेकिन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हमारे मोबाइल में हमेशा अवेलेबल रहती हैं और जब हमको चाहिए होता है तो हम कॉल करते हैं हम उसका यूज करते हैं बट सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं तो अब इस एडिटोरियल को हम समराइज करते हैं समराइज करते हैं पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या पॉइंट्स पकड़ के चलने हैं इसमें या आपके बेसिकली कम्युनिकेशन वाले पार्ट में जी के पार्ट्स में जी के कॉम्पोनेंट में आपको हेल्प करेगा ड्राफ्ट टेलीकॉम के बिल की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में डेटा uh, रेगुलेशन की बात है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है तो जीएसटू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे जीएस थ्री और जीएसटू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो अब हम समराइज़ करते हैं एक मिनट के अंदर अंदर में कि कम्युनिकेशन सर्विसेज और ओटीटी सर्विसेज को एक बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को रेवेन्यू भले ही ना मिल रहा हो अभी ओ

में इनोवेशन के लिए इनोवेशन स्कोप के लिए ये एक इंपेडिमेंट है एक बाधा है इसका सोल्यूशन ये है कि आप आई एक्ट को एक्सपैंड करिए और ओटीटी को डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर रेगुलेट करिए वो ज्यादा ईजी समाधान है एज कंपेयर टू ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल के अंदर उसको करना सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम एडिटोरियल एनालिसिस डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड द एनालिसिस बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस मोटिवेशन आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने के लिए हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा एडिटोरियल समझाते हैं और ट्रस्ट मी इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू एंड आई होप आपको ये बेनिफिशियरी benefic आप हो और आपको ये बेनिफिट दे थैंक यू सो मच साइनिंग ऑफ आई सी यू गाइज एनालिसिस